एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड माइंड टूटोरियस टूडेज टॉपिक इज पार्थेनोजेनेसिस ये जो टॉपिक है अगर हम उसकी मतलब कहना चाहिए बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उसको समझने की कोशिश करें तो इसको नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज के अलावा कॉमन लैंग्वेज में कहा जाएगा वर्जिन बर्थ यानी कि अगर फीमेल इंडिविजुअल से डायरेक्टली यंग वंस ग्रो करते हैं देन इट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस यानी कि यहां पर कोई भी मेल इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होगा कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी ऐसी प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है तो अगर हम नेचर में बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें पार्थिनोजिनेसिस का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है और इसमें होता यह है जितने भी ऑल और सम ओवा जितने भी ओवा है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ओवा ऐसे होंगे जिनमें पार्थिनोजिनाइसिस होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें पार्थिनोजिनेसिस नहीं होगा तो वो सभी एक्टिव बनते हैं विदाउट बींग फर्टिलाइज बाय स्पर्म्स एंड डेवलप इन न्यू ऑफ होगा ये कि नॉर्मल प्रोसेस क्या कहती है हम लोग यहाँ पर एक हमारा डायग्राम बना के समझते हैं स्पर्म इंटू ओवम का तो अब यहां होता है क्या नॉर्मली स्पर्म इंटू ओवम का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइकोड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ये कॉमन प्रोसेस है और नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा जो स्पर्म है वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली ओवम के थ्रू यहाँ पर जाइकोड का फॉर्मेशन होगा एंड इट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस तरह की प्रोसेस देखने को तो अब हो गया यहां पर रहा है कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इस फिनोमिना को पार्थिनोजिनेसिस कहते हैं पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जिन एंड जेनेसिस का मतलब है किसी चीज का बनना या फिर टू बॉर्न इसको वर्जिन रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो फिनोमिना होता है वो ओकेजनली होता है हमेशा नहीं होता उनके अंदर टाइम टू तो टाइम कुछ ऐसे टाइम पीरियड होंगे जब उनमें इस तरह की प्रोसेस देखने को मिलेगी बाकी वहां उनमें भी नॉर्मल तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में ये रेगुलरली यानी हर टाइम पर पार्थिनोजिनेसिस ही होता है और बिसाइड्स दिस इन सम एनिमल्स पार्थिनोजिनाइसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर किडनी में ऐसा भी होता है कि पहले पार्थिनोजिनेसिस होगा फिर नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर अल्टरनेट में पार्सिनोजिनाइसिस फिर नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये वाली चीजें हो सकती है इतने सारी uh, कहना चाहिए पॉसिबिलिटीज यहां पर होगी और लोकस्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे और कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया फर्टिलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट उन्होंने ये कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं नहीं होता है जो प्रोसेस होती है पार्थोनोजेसिस की वो नॉर्मली इंसेक्ट्स के अंदर रोटीफर्स के अंदर और क्रस्टेशियंस के अंदर इन सभी में देखने को मिलती है तो ये हमें याद रखना है इन्सेक्ट रोटी और जो कुछ नॉन पार्थोजिक फॉर्म्स हो सकते हैं साइंटिस्ट ने उनके बारे में भी बताया था जिसमें ये जो प्रोसेस है आप उसमें आर्टिफिशियली भी स्टिमुलेट करवा सकते हैं यानी कि नॉर्मली जिनमें पार्थिनोजिनेसिस नहीं भी होता है तो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओवा को स्टिमुलेट करके उनमें आर्टिफिशियली ये पार्थेनोजेनेसिस करवाया जा सकता है सो so, फिजिकल और केमिकल मीन दोनों वहां पर हो सकते हैं और पार्थोनोजेसिस दो तरह का होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल जो डायरेक्टली नेचर के थ्रू हो रहा है आर्टिफिशियल में इंड्यू, इंड्यूस करवाना पड़ सकता है या फिर इंडक्शन करवाना पड़ सकता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ये जो प्रोसेस होती है वो ऑटोनोमस प्रोसेस होती है ना खुद से होती है और इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीस वास्प कुछ एंट्स एफिड्स रोटीफर्स क्रस्टेशन आर्थोपोर्ट्स इनमें देखने को मिलती है इनमें वो अपनी रेस को मेंटेन करते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस फिर से दो तरह से डिवाइडेड है कंप्लीट एंड साइक्लिक पार्थिनोजिनाइसिस तो कंप्लीट और साइक्लिक की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कंप्लीट में ये बताया गया है ये ऐसे स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज में होता है मतलब सभी में नहीं होता कुछ पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज उनमें होता है और ये जो स्पीशीज होती है मेल्स आर नेवर फॉर्मड इनमें कभी मेल्स होते ही नहीं है सिरे से नहीं होते ओनली फीमेल्स कॉन्स्टिट्यूट दी पॉपुलेशन सिर्फ पॉपुलेशन में फीमेल्स होती है और उनके जो ओवर रहते हैं वो डेवलप करते हैं पार्थो, पार्थोनोजेनेटिकली जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो इसको कहते हैं कंप्लीट पार्थोनोजेसिस यानी यहां मेल्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है साइक्लिक पार्थोनोजेसिस इन दिस प्रोसेस फीमेल रिपोर्ड्यूट

अब जो साइंटिस्ट है वाइजमैन वीजमैन इनको कह सकते हैं इनके जो क्राइटेरिया था उन्होंने कहा कि जो पार्थिनाजेसिस होते हैं वो दो में डिवाइडेड होते हैं हैंप्लॉइड एंड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनाइसिस हैप्लॉइड पार्थिनोजेनाइसिस का मतलब होता है इट इज आल्सो कॉल्ड आर हेनोटोकस पार्थियोजेनाइसिस इसका दूसरा नाम है इसमें फीमेल जो रहती है वो हमेशा डिप्लॉयड तो इनमें फीमेल्स हमेशा डिप्लॉयड होती है यानी कि टू एन इनकी इप्लॉइडी होती है और मेल्स इनमें हेप्लॉयड होते हैं सो so, जो फीमेल्स हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूस्ड तो फीमेल्स हमेशा इसी वजह से फर्टिलाइज एक्स से प्रोड्यूस की जाएंगी क्योंकि अगर उनमें टू एंड एप्लॉयडी हम इसको यहाँ समझते हैं फॉर एग्जाम्पल दीज आर द गैमेट्स यर स्पर्म टू एन नॉर्मली इसकी एन प्लॉयडी होना चाहिए जो गैमेट्स होती है उनके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ओवम भी एन प्लॉयडी के हो जाएगा तो एन और एन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो टू एन बनता है और अगर किसी फीमेल इंडिविजुअल में टू एन प्लॉयडी बताई गई है इसका मतलब उसमें दोनों एन आए होंगे और दोनों एन आए होंगे इसका मतलब वो सेक्जुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा दैट विल बी नॉट पार्चुनजनस यहां पर ये वाली बात अब दूसरी यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे जो मेल इंडिविजुअल्स है उसमें ओवम एन का होगा और अगर डायरेक्टली जो इंडिव्यूजल बनाए अगर वो भी एन का बना है इसका मतलब क्या होगा अगर N से N बन रहा है इसका मतलब वहां पर हुआ होगा तो ये दोनों चीजें यहां पर हमने समझी तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो मेल है वो डेवलप करते पार्थेनो, फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेसिस अकर्स इन हाइमोपटेरस इंसेक्ट्स लाइक हनी बीस एंड वॉस्प इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें जो फीमेल इंडिविजुअल है वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन से बनी होती है एंड जो मेल इंडिविजुअल हो पार्थिनोजेनाइसिस से बने होते हैं वो इन इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है जैसे हनी बीस एंड वास्प और हनी बीस का जो केस होता है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं पहले हमें यहाँ पर ये यह फ्लो चार्ट देखना होगा बीस के बारे में तो ये यह जायकोट यहां पर फॉर्म हुआ है और टू एनएक्स था यहाँ पर डिप्लॉयड है टू एनएक्स यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हुआ यहाँ ओवम का फॉर्मेशन हुआ है एनएक्स दिखाया गया है यानी और एक दूसरा वाला भी एनएक्स हैप्लॉयड इस वाले को देखेंगे तो ये एनएक्स है यहाँ एनएक्स फॉर्म इसके साथ है तो यहाँ जायकोट टू एन एक्स का बनेगा तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है पूरी एक छोटी सी साइकिल है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीस रिप्रेजेंटिंग हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस सो हनी बीज का केस देख लेते हैं मेल हनी बीज ऑलवेज नोन एज ड्रोन उसको ड्रोन कहा जाता है ये एप्लॉयड होते हैं अभी हमने इसको डिस्कस करा क्योंकि वो पार्सन से बने इसलिए वो भी एप्लॉइड रहेंगे डायरेक्टली एक गैमेट से फॉर्मेशन हुआ था और हमेशा डेवलप करते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल हनी बीज यहाँ पर वर्कर्स हो सकती है और क्वीन हो सकती है वर्कर्स और क्वीन के अंदर ये डिफरेंस होता है बेसिक कि क्वीन कैन रिप्रोड्यूस एंड वर्कर्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इज टेराइल होंगी और जो दोनों ही है ये डिप्लॉइड होती है क्योंकि फीमेल इंडिविजुअल है और अभी हमने ऊपर डिस्कस स कराता है जो फीमेल इंडिविजुअल्स होती हैं वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुई होती है सो so, ये वाली चीजें हैं अब यहां पर ये यह हो रहा है कि जो फीमेल्स हैं ओनली क्वीन इज फर्टाइल एंड कॉप्यट्स विद अ ड्रोन एंड रिसीव दी स्पर्म्स विच आर केप्ड सेफली फॉर फाइव फर्टाइल सॉरी फाइव इस इन द बॉडी ऑफ क्वीन विच आर यूज फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स प्रोड्यूसड बाय हर अकॉर्डिंग produced by her according to her wish the eggs which are fertilized in the body of a queen sexual reproduction only form diploid females in the male or drone during formation of sperm male gametes there occurs no meiotic division every cell of female body सो so क्वीन के बारे में यहां पर ये मेंशन किया गया है उसमें फाइव इयर्स तक उसकी बॉडी में जो कहना चाहिए वायबिलिटी है स्पम्प्स की वो मेंटेन रहेंगी और फिर उससे इंडिविजुअल्स फॉर्म होते रहेंगे एग्स फॉर्म होते रहेंगे तो ये वाली बात यहां पर हो जाती है और जो डिफरेंस होता है क्वीन और वर्कर्स के बनने में वो ये होता है कि एक को रॉयल जेली फीड की जाती है और दूसरे को रॉयल जेली फीड नहीं की जाती है जिसको रॉयल जेली फीड की जाती है एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि वर्कर्स प्रोड्यूस करती हैं तो रॉयल जेली क्वीन जिसको भी प्रोड्यूस की जाएगी वो क्वीन बनती है और जिन्हें नहीं मिलती है रॉयल जेली वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हैं वो वर्कर्स बनते तो ये वाला बेसिक डिफरेंस उनमें होता है अब दूसरी बात क्या होती है कि जितने भी सेल्स होते हैं फीमेल बॉडी के उसमें थर्टी टू क्रोमोजोम होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं टू एन एक्स यानी कि डिप्लॉयड है ये और जितने भी एग्स होते हैं फीमेल के वो हैप्लॉयड होते हैं जिनमें सिक्सटीन क्रोमोजोम्स होते हैं तो नॉर्मली क्या हो रहा है यहां पर वो जो कंसेप्ट होता है सोमेटिक सेल्स का एंड जो गैमेट होते हैं उनका वो यहां पर हम समझ रहे हैं सोमेटिक सेल्स जो होते हैं तो सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं तो इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो हेप्लॉइड होता है नॉर्मल वाला और गेमिट सेल्स जो होते हैं इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो सॉरी uh, यहां पर डिप्लॉयड होता है और यहां पर हेप्लॉयड होता है मैंने शायद उल्टा कह दिया तो ये डिप्लॉयड रहते हैं सोमेटिक सेल्स और गेमिट सेल्स जो रहते हैं वो होते हैं और हेप्लॉड क्यों रहते हैं क्योंकि जब इनका फर्टिलाइजेशन दूसरे सेल्स के साथ होगा तो जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसके अंदर प्लॉयटी मेंटेन हो जाए वरना वर्ग यहाँ पर भी 2N होता, तो टू के साथ अगर एक और टू मिलता तो फोर बन जाता जो कि पूरी तरह से एक अलग इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता इसीलिए सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स जितने वो सभी टू के होते हैं और गेमिट सेल्स जितने भी होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर एक्साम्पल फर्मस एंड ओवर वो कौन सी प्लॉयडी के होते हैं एन अनप्लॉयडी के होते हैं ना हैंप्लॉयड होते हैं तो यहां पर इसी बात का कंसेप्ट दिया गया है ये पूरे पैराग्राफ के अंदर हम फिर भी यहां पर देख लेते हैं फीमेल हनी भी को शो किया गया है क्वीन को वो टू एनएक्स की थी उसमें मियोसिस होगा सबसे पहले मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है अगर हमें टू एन को तोड़ना है हाफ में तो मियोसिस करवाना होगा जो कि ऊ जेनासिस यहां शो किया गया है, दो एक्स फॉर्म होंगे और फिर इन दोनों एक्स को अगर हम देखेंगे तो ये एनएक्स वाले होंगे यानी ये दोनों कैसे होंगे हेप्लॉइड होंगे उसमें से एक में तो पार्सनो हो रहा है और अगर पार्सनो होगा तो डायरेक्टली यहां पर मेल फॉर्म हो रहा है वो भी कैसा एनएक् से एनएक्स वाला

और, वाला बनेगा। और अभी हमने डिस्कस करा था है, अगर पूरी हनी बीज की कम्युनिटी देखते हैं तो वहां पर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोजोम वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो फीमेल हनी बीज होती है जिसमें वर्कर्स और क्वींस आती है और जो पार्थिनोजिस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिर्फ मेल्स आते हैं तो ये पूरा एक कहना चाहिए इसी फ्लो चार्ट में बहुत ज्यादा अच्छे से हमने समझ ली चीजों को अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन हनी बीस एपीस जिसको कहते है, है, हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स दिखाए गए हैं और सभी चीजें यहाँ पर ये यह ड्रोन फर्टाइल मेल का डायग्राम है क्वीन फर्टाइल फीमेल वर्कर वर्कर्स टेराइल फीमेल होना चाहिए यहाँ पर फिर उसके बाद ये कैसे बने होंगे ये एग है एग के साथ यहाँ पर अगर देखें तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स थे पार्थन हुआ तो ड्रोन बना फिर उसके बाद इसी के यहां पर देखेंगे तो इस फर्टिलाइज एक्स के दो ऑप्शन थे ये टू एन वाले ये भी टू एन वाले हैं फिर उसके बाद यहाँ स्पर्म इनके साथ फ्यूज हुआ था जब ये टू एन बने होंगे तो ये दोनों फीमेल्स टू एन वाली इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ स्पर्म इनवॉल्व थे तो ये सभी डायग्राम में हमने समझा अब बात आती है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की इससे पहले अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस था और हैप्लॉइड था क्योंकि उसमें जो मेल इंडिविजुअल्स थे वो हैप्लॉयड थे और बाकी जितनी फीमेल्स थी उस कम्युनिटी की वो टूए की थी अब डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस समझते हैं इसका दूसरा नाम होता है थैली टोको थैली टोटोकस यहाँ पर गलत लिखा है शायद पार्थेनोजेनेसिस इसकी स्पेलिंग में यहाँ एक टी ओ होना चाहिए था अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस होता है ये पार्थेनो ये पार्थेनोजेनेसिस इसमें कोई भी डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता यानी कि मियोसिस नहीं होगा कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा यहाँ पर और इसी वजह से हर एग्स में टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि इसको हाफ नहीं करवाएंगे तो सभी टू एन ही रहेंगे इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं डेवलप करते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज डिप्लॉयड एग जितने भी है टू एन से बन टू एन वाले ही बनते हैं। इट इज अगेन डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स अगेन ये दो तरह का होता है पहला होता है एमियोडिक पार्थेनोजेनेसिस एक कर समझते तो क्लियर होता जाएगा ए म्योर्टिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है ये जो पार्थेनोजेनेसिस होता है इसमें फर्स्ट म्योरिक डिवीजन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द जेनेसिस जब उसे हो रहा होगा एक फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जो पहला म्योटिक डिवीजन वहां होना चाहिए था वो यहां पर नहीं होता क्योंकि यहां पर हमने अभी शुरू में पढ़ा डिप्लोइ पार्थेनोजेनेसिस में कोई मियोसिस नहीं होता तो शुरू का फर्स्ट म्योर्टिक डिवीजन भी यहां पर कैंसिल हो गया अब होता है यहां पर यह कि बट देयर अकर्स नॉर्मली द सेकंड म्योर्टिक डिवीजन लेकिन यहां पर सेकंड म्योर्टिक डिवीजन नॉर्मली हो जाता है विच इज एक्चुअली माइटोटिक डिविजन जो सेकंड म्योटिक डिविजन यहां पर हो रहा होता है वो असल में मियोटिक डिवीजन नहीं होता बल्कि एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है लेकिन वो कहलाता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन है असल में होता क्या है वो माइटोसिस ही होता है यानी इक्वेशनल डिवीजन होता है सो so, जितने भी एग्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं टू वाले होते हैं डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली इन न्यू यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोजेनेसिस जे, अगेन यहाँ पर हो रहा है और जो न्यू यंग वंस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और इस तरह की प्रोसेस को ए मिओटिक पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है यहाँ पर एक डायग्राम है डिप्लोसिस बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन का हम इसको बाद में समझते हैं पहले हम मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं सो मियोर्टिक पार्थेनोजेनेसिस में अब क्या होता है ड्यूरिंग इट द फॉर्मेशन ऑफ एग अकर्स बाय नॉर्मल इस टाइम पर जो कहना चाहिए फॉर्मेशन हो रहा होता है एग का ओवम का वो नॉर्मल से होता है दैट मीनस दूसइट अंडर गोज फर्स्ट मियोर्टिक डिविजन सबसे पहले ऊसाइड में पहला मियोटिक डिविजन होता है एंड देन सेकेंड मियोर्टिक डिविजन उसके बाद सेकंड मियोर्टिक डिविजन होता है जो कि एक्चुअल में कैसा होता है माइटोटिक होता है दस द फॉर्मड एग्स आर यानी कि जो सेल्स अब बनेंगे वो एन वाले बनेंगे विच बाय द प्रोसेस ऑफ डिप टू एन वाले बन जाते हैं इस तरह का जो पार्थिनोजिनेसिस होता है उसको ऑटोमेटिक पार्थिनोजिनेसिस कहा जाता है अब जो प्रोसेस होती है डिप्लॉसिस की वो नॉर्मली दो तरह से होती है एक ऑटो तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू और दूसरी रेस्टिट्यूशन के थ्रू ऑटो तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है Um, पहले तो हमने अभी थोड़ा सा इसको पहले क्लियर करते हैं अगर अभी कोई डाउट यहां रह गए हो तो उसको समझ लेते हैं सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा कि डिप्लॉयड पार्थ्यनोजेनाइसिस होता है अब डिप्लॉयड पार्थोनोजेनाइसिस में हमने क्या बात की कि इसमें जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो टू एन वाले बनते हैं लेकिन अब वो टू एन वाले भी दो तरह से बनते हैं एक बनते हैं एमियोटिक पार्थोनोजेनाइसिस के थ्रू कि बिल्कुल मियोसिस हुआ ही नहीं होगा और एक ऐसा जिसमें हल्का सा मियोटिक डिवीजन आया होगा और फिर मियोटिक आने के बाद उसमें जब एक बार एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रोसेस होती है डिप्लोसिस की जो उस एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम को किसमें बदल देती है टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल देती है अब आगे देखते हैं अब ऑटो फर्टिलाइजेशन देखते हैं ये जो मेथड होती है ड्यूरिंग ओजेनेसिस उजेनेसिस के टाइम पर होती है प्राइमरी ऊसाइड जो होते हैं डिवाइड करते हैं फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के थ्रू जिसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी सेपरेट आउट करती है उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी बनती है सेकंड पोलो साइड जिसको कहते हैं वो जो सेकंड पोलर बॉडी होती है फ्यूज विथ एग एंड फॉर्म्स डिप्लॉइड एग वो एग के साथ फ्यूज कर जाती है और बना लेती है डिप्लॉड एग विच डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इंटू अंग वन एग्जाम्पल आर्टीमिया सेलिना अब ये तो बात होगी ऑटो फर्टिलाइजेशन की अब उसका डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी ऊसाइट है फर्स्ट मैच्यशन डिवीजन यहां पर कंप्लीट हुआ था ये दो ऑर्गेनिजम्स बने ये ओवम की साइड है ये पोलर बॉडी है इसमें सेकंड मेच्यूरेशन डिवीजन हुआ दो पोलर बॉडीज यहां बन गई ये जो दो पोलर बॉडीज थी वो फ्यूज कर जाती है ओवम के साथ आप देख सकते हैं ये जो दो आ रही थी वो यहाँ पर आके इसके साथ फ्यूज कर गई इस ओवम के साथ उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल बनता है वो ऑटो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम देख रहे हैं और ये डिप्लॉइड एग बनता है तो ये डिप्लोसिस की प्रोसेस है बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन अब रेस्टिट्यूशन देख लेते हैं ये जो मेथड होती है फर्स्ट म्यूरो डिवीजन यहाँ पर इनकम्पलीट रहता है इन दी प्राइमरी ऊसाइड दैट मींस आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है देर अकर्स नो साइटोकाइनेसिस तो जैसे ही डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस वहां पर नहीं होता यानी कि नो सेपरेशन बिटवीन दी सेकेंडरी ऊसाइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलर साइड तो सेकेंडरी ऊसाइड और फर्स्ट पोलर बॉडी एक बार जब बन जाएंगे तो अलग नहीं होंगे विद द रिजल्ट ऑफ इट द क्रोमोजोम ऑफ बोथ दी रोटर न्यूक्लिया आर अरेज ऑन द इक्वेटर ऑफ सिंगल सेल और प्राइमरी ओ नाउ इट अंडर गो सेकंड म्योर्टिक डिविजन इज इक्वल्स टू माइटोटिक डिविजन एंड फॉर्म्स अ डिप्लोइड एग एंड डिप्लॉयड पोलोसाइड बॉडी दिस डिप्लॉयड एग्स डेवलप आर्थिनोजेटिकली इंटू अ यंग वन दिस टाइप ऑफ डिप्लॉसिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन डिप्लॉसिस एग्जाम्पल सम हाइमोपटेरस एंड लेपिडोपटेरस इन्सेक्ट्स अब डिप्लोसिस बाय रेस्टिट्यूशन का डायग्राम देख लेते हैं यहाँ प्राइमरी ओसाइट है फर्स्ट मेच्यूरेशन डिवीजन इसमें इनकम्प्लीट रहा होगा इसके बाद क्या हुआ ये टू एक्स वाले क्रमोजोम हैं आगे बढ़े रेस्टिट्यूशन के अंदर ये पूरे जो है टू एक्स वाले क्रोमोजोम है और आगे बढ़ते हैं सेकंड मेचुरेशन डिविजन दिखाया गया है उसमें टू एक्स क्रोमोजोम वाले एक डिप्लॉयड एग बना और इधर पोलर बॉडी बनी तो ये डिप्लोसिस बाय रेस्टिट्यूशन है और दूसरा यहाँ पर एक लाइफ साइकिल ऑफ पायलॉग भी शोन है रिप्रेजेंटिंग डिप्लॉयड पार्थियनोजनेसिस इसको भी देख लेते हैं तो ये है पायलॉग जरा टू एन इसमें ओनली टू सच फीमेल जनरेशन बिफोर सेक्सुअल फॉर्म्स आर अगेन प्रोड्यूस टू एन से टू एन बन रहा है फीमेल बन रही है माइनस फर्स्ट डिप्लॉयड जनरेशन फिर उसके बाद यहाँ पर ऑटम है यहाँ पर उसके अंदर देखते चलेंगे यहाँ पर टू एन टू एन एन और उसके बाद टू एन टू एन माइनस वन फीमेल टू एन माइनस वन सॉरी मेल टू एन माइनस वन मेल और स्पर्म ये एन और विंटर जाइकोड तो ये साइकिल शो की गई इतना तो ज़्यादा हमें कोर्स में नहीं है हम आगे बढ़ते हैं अब ये जो पायलॉग के बारे में हमने डायग्राम देखा उसको थोड़ा समझते टेक्स्ट से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा पायलॉगजेरा एंड एफिड इंसेक्ट्स हैं फीमेल जो होती है ऑफ बोथ ऑफ दिस इंसेक्ट्स हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम टू एन दोनों ही फीमेल्स में टू एन नंबर ऑफ फ्लॉइडी होती है लेकिन इनके जो मेल्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो टू एन माइनस वन होते हैं यानी कि इनमें एक एक्स कम होता है ठीक है तो टू एन फीमेल्स में तो और इसमें मेल्स कैसे हैं टू एन माइनस वन है उसमें एक एक्स की कमी होगी और जब समर आएगा और विंटर सीजन आएगा दे रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजन समर और विंटर सीजन में ये पार्थेनोजेनेसिस वाला रिप्रोडक्शन शो कर और सिर्फ फीमेल इंसेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो जो फीमेल्स होती हैं इस इंसेक्ट ग्रुप की वो लार्ज और स्मॉल सेक्ट को प्रोड्यूस करने लगती है लार्जर एग्स जो होते हैं उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी होते हैं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस होगा इनटू फीमेल पार्थेनोजेनेटिकली वो फीमेल इंसेक्ट में बदल जाएंगे और जो स्मॉल एग्स रहते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू एन माइनस वन होते हैं जो कि मेल इंसेक्ट्स को बना लेते हैं अब जब विंटर सीजन आता है तो जो फीमेल्स होती है

सिर्फ एन था वो सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनमें एक्स क्रोमोजोम नहीं था द ओनली हैविंग एन भी है और एक्स भी है वही क्रोमोजोम सॉरी वही स्पम्स सर्वाइव कर पाते हैं और वो फ्यूज करते हैं एक्स के साथ जिनके अंदर एनएक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम था जिससे कि एक की डिप्लॉडोड बनता है टू एन एक्स और फिर वो फॉर्म करते हैं फीमेल इंसेक्ट्स अब बात आती है आर्टिफिशियल पार्थोनोज सेवरल साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल पार्थिनोजि इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स लाइक एनलीड्स वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड सम मैमल्स तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जिनके अभी हमने यहां यहां से तक नाम लिए उन सभी में साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल पार्थिनोजिनेसिस स्टार्ट किया है हार्टविक ने एटीन में फॉर एग्जाम्पल इंड्यूसड पार्थिनोजिनेसिस के बारे में बताया था इन राइप ओवा ऑफ सी अर्चिन सी अर्चिन के राइप ओवा में उन्होंने पार्थिनोजिनेसिस करने की कोशिश की थी बाइट ट्रीटिंग बीज विथ क्लोरोफॉर्म और स्ट्राइकनिन उन्होंने दो तरह के केमिकल से सी अर्चिन के राइपोवा को ट्रीट किया था पहला था क्लोरोफॉर्म और दूसरा था स्ट्राइकनिन लेटर इट वॉज बाद में ऐसा पाया गया कि जो पार्थिनोजिनेसिस है कैन ऑल्सो भी इंड्यूज इन द ऑफ मेनी अदर स्पीशीज बाई ट्रीटिंग वेराइटी ऑफ केमिकल उन्होंने यह पाया कि दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स में ये वाली प्रोसेस हम आर्टिफिशियली करवा सकते हैं अलग अलग केमिकल्स की मदद से बेटेलॉन नाइनटीन हंड्रेड नाइन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पार्थेनोजिनेसिस कैन बी इंड इन फ्रॉग्स ओवा बेटेलॉन ने फ्रॉग के ओवा में पार्थेनोजिनेसिस करवा के दिखाया बाय प्रिकिंग दिस विद अ विद्लीन माइक्रोनिडल उन्होंने उसके ओवा को प्रिक करा छेद करने की कोशिश करी एक क्लीन माइक्रोनिडल से सी

आर्टिफिशियल में ज्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिली एम्ब्रिय उनकी डेथ हो जाती है लेकिन यह कंसिडरेबली है साइंटिस्ट को जिसके वो डिस्कवर कर सकते हैं सेवरल डिटेल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट अब लास्ट में एडवांटेजेस एंड डिस एडवांटेजेस एडवांटेजेस कुछ इस तरह है जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं पार्थोनोजिनेसिस से वो पेरेंट्स के जैसे सिमिलर होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं उनमें लेस वेरिएशन होते हैं तो पहला पॉइंट तो है कि इससे लेस वेरिएशन आता है सिमिलरिटी होती है पेरेंट्स के साथ जीन्स प्रोड्यूस बाय म्यूटेशन रिमेन इन इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज इन पार्थोनोजिनेसिस क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन इट ड्यूरिंग दी कैमेट फॉर्मेशन जैसे क्या होता है नो नॉर्मली जो मेल क्रोमोजोम्स होते हैं और फीमेल क्रोमोजोम होते हैं उनमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है तो दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होकर ट्रांसफर होकर जायकोट तक पहुंचते हैं लेकिन यहाँ पर कोई म्यूटेशन चेंज नहीं होता जो एक पेरेंट में है वही दूसरे इंडिविजुअल ने जायकोट में ट्रांसफर हो जाता है तो एक बेनिफिट है यहाँ पर जो रहता है कन्फर्म करता है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फिर इसमें जर्म प्लाज्म जो रहता है वो वेस्ट नहीं होता क्योंकि जो गैमेट्स हैं दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम्स आर नेवर नेवर फॉर्म्ड इन एक्सेस कभी ज्यादा नहीं होते दस द एडल्ट एनिमल फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज टोटली रिलेटेड विथ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसमें कोई चांसेस नहीं होते न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें गुड क्वालिटीज देखने को नहीं मिलती ना ही वो इंक्रीज होती एक जैसा ही चला आता है और कोई बैड क्वालिटीज़ है वो भी अवॉइड नहीं की जा सकती अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो सो एनिमल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से उनमें लेस पावर ऑफ एडेप्टन होता है ग्रेजुअली स्पीशीज इसकी डिस्ट्रॉय होने लगती है ये इसके डिसएडवांटेजेस है क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग पार्थियोजनाइसिस पार्थियनोजि में क्या होता है एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन स्पर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एग्स डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फोर्थ ऑप्शन सही है एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन दी गैमेट्स हैप्प्लॉड ट्रिप्लॉयड डिप्लॉयड नन ऑफ दीज तो नॉर्मली गैमेट्स में हमेशा हेप्लॉइड होता है तो फर्स्ट ऑप्शन सही है पार्थियनोजिनेसिस स्किन में होता है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर है थर्ड ऑप्शन रोटी फर्स में और कुछ इंसेक्ट्स में मेल्स डेवलप करते हैं पार्थ्योनोजिनेसिस से इन रोटी फॉर्स एरेक्नॉइड हनी बीस या फिर ऑल ऑफ दीस तो सभी के अंदर होता है यहाँ पर तो फोर्थ ऑप्शन सही है सो ये पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया पार्थ्योनोजिनेसिस का सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग